वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेस। प्लीज क्लिक द रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू रिसीव ऑल लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द 100 डेसेस फर्स्ट। सो लेट्स बिगिन। वंडा पेट्रॉन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। वंडा पेट्रॉन्स्की, बहुत सारे बच्चे जो क्लासरूम में थे, रूम नंबर 13 में जो बच्चे बैठते थे, उनके नाम इस तरह के नहीं थे। दे हैड नेम्स इजी टू से, उनका नाम आसान था बोलने में, जैसे कि लाइक थॉमस, स्मिथ और ओलेन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द रूम नंबर 13 डिड नॉट हैव नेम्स सिमिलर टू वंडा पेट्रॉन्स्की। देयर नेम्स वर इजी टू प्रोनाउंस लाइक थॉमस, स्मिथ और ओलेन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी। एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस, और लोग उसके नाम को फनी मानते थे। नेम ऑफ वन बॉय इन द क्लास वॉज विली बाउंस, एंड अदर स्टूडेंट्स थॉट दैट हिज नेम वॉज फनी, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स्की वॉज, बट नेम पेट्रॉन्स्की वॉज मोर फनी। वंडा पेट्रॉन्स्की एक स्ट्रेंज, अनयूजुअल, फनी नेम लगा बच्चों को, और रूम नंबर 13 में जितने भी बच्चे बैठते थे उन सभी बच्चों में से एक बच्चा था जिसका नाम था विली बाउंस, जिसे लोग फनी मानते थे, विचित्र नाम। और वंडा पेट्रॉन्स्की का नाम तो इससे और ज़्यादा फनी था, विली बाउंस का नाम उतना फनी नहीं था जितना कि वंडा पेट्रॉन्स्की का। नेक्स्ट पैराग्राफ, वंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वंडा के कोई मित्र नहीं थे। वंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड। शी केम टू स्कूल अलोन, शी यूज्ड टू कम टू स्कूल अलोन, वह स्कूल अकेले आया करती थी, एंड वेंट होम अलोन, और घर भी वापस अकेले ही जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड, फेडेड मीन्स डलनेस ऑफ कलर एट्सेट्रा, विथ पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ रंग फीका पड़ जाता है। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, हमेशा वह एक फीका ब्लू ड्रेस, ब्लू कलर का ड्रेस पहन के आती थी। दैट डिडंट हैंग राइट, डिडंट हैंग राइट मीन्स डिडंट फिट प्रॉपरली और करेक्टली, और जो ड्रेस उसे अच्छी तरह से फिट नहीं होता था। शी यूज टू कम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। शी वॉज ऑलवेज वियरिंग अ ड्रेस ऑफ फेडेड ब्लू कलर एंड इट डिड नॉट फिट हर प्रॉपरली और करेक्टली। इट वॉज क्लीन, ये जो उसका ड्रेस था ये क्लीन होता था, द ड्रेस वॉज क्लीन, साफ सुथरा होता था, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन्ड प्रॉपरली, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता था कि द ड्रेस वॉज क्लीन बट इट वॉज नेवर आयरन्ड प्रॉपरली, कि उस पर कभी आयरनिंग नहीं की गई थी। इन अनदर वर्ड्स, हर ड्रेस वॉज नेवर आयरन्ड प्रॉपरली, उसका जो ड्रेस होता था ब्लू कलर का, फेडेड ब्लू ड्रेस, दैट वॉज नॉट आयरन्ड प्रॉपरली। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वंडा का कोई मित्र नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सी गर्ल्स उससे बातें करती थी। वंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बट मैनी गर्ल्स टॉक टू हर। समटाइम्स, कभी कभी, दे सराउंडेड हर, सराउंडेड मीन्स कवर्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस,
सभी तरफ से उसे घेर कर रखते थे। इन द स्कूल यार्ड समटाइम्स इन द स्कूल यार्ड गर्ल्स स्टूड अराउंड हर दे गैदर्ड अराउंड हर एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले hopscotch. Hopscotch means a game in which children hop into and over squares marked on the ground. एक प्रकार से बच्चों का एक खेल है hopscotch. On the worn, worn means uneven surface, ऊबड़ खाबड़, uneven surface, UNEVEN SURFACE, uneven surface. As she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. They did so while she was watching other girls play hopscotch. The playground of the school was old and hard. Kabhi kabhi, sometimes they surrounded her in the school yard. School ka jo open area hai, yard hai, wahan par jo ladkiyan thi, वंडा को घेर कर रखती थी, उसके इर्द गिर्द खड़ी हो जाती थी. एज क्योंकि शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच. वंडा पेट्रॉन्स की छोटी बच्चियों को हॉप स्कॉच नामक गेम उस हार्ड अनइवन सरफेस पर ग्राउंड पर खेलते हुए देखती थी, वहाँ खड़ी रहती थी. तो वंडा पेट्रॉन्स्की को देख करके जो दूसरी गर्ल्स होती थी जो उसका मजाक उड़ाना चाहती थी उसके आसपास आके खड़ी हो जाती थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. वंडा पेगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर. कर्टियस यू नो इन अ डोसाइल मैनर DOCILE विनम्र रूप में पोलाइटली. वंडा Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Miss Mason is teacher of the class. Miss Mason class ki adhyapika hai. Peggy would address Wanda as politely as she would address her teacher Miss Mason. Wanda, Peggy would say in a most courteous manner as though She were talking to Miss Mason. जिस प्रकार से मिस मैसन अपने टीचर से पेगी बात करती उसी प्रकार से पेगी वंडा को एड्रेस करती. वंडा से भी ठीक उसी तरह से इन अ डोसाइल मैनर इन अ कर्टियस वे पोलाइटली उससे बात करती. वंडा शी वुड से Giving one of her friends a nudge. Nudge means to hit gently with elbow. अपने कोहनी से किसी को हिट करना, नज करना, a gentle push. अपने एक फ्रेंड को gentle push देते हुए अपने कोहनी से उसके ऊपर हिट करते हुए वो कहती Tell us, मुझे बताओ वंडा How many dresses did you say you had hanging up in your closet? Closet means almira, ALMIRAH, almari. तो पेगी वंडा से बड़े प्यार से पूछती अपनी एक फ्रेंड को नज करते हुए अपनी एक फ्रेंड को जेंटली पुश करते हुए अपने एल्बो से कोहनी मारते हुए कहती टेलस मुझे बताओ हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट. कितने ड्रेसेस तुमने बताए कि जो तुम्हारे क्लोसेट में हैंगिंग हैं यानी लटके हुए हैं. तुम्हारे अलमीरा में कितने ड्रेसेस तुमने बताए थे. तो मिस मैसन इज अ टीचर ऑफ द क्लास एंड पेगी वुड एड्रेस वंडा एज पोलाइटली एज शी वुड एड्रेस अ टीचर मिस मैसन. पेगी वुड गिव अ जेंटल पुश टू वन ऑफ हर फ्रेंड्स एंड आस्क वंडा टू टेल हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर कबोर्ड. वंडा से पेगी पूछती थी तुम अपने कबोर्ड में अपने अलमीरा में क्लोसेट में
कितने ड्रेसेस रखी हो? A hundred, Wanda would say. Wanda used to reply that she had 100 dresses. Wanda उत्तर देती पेगी के प्रश्नों का. जब पेगी वंडा से पूछती कि तुम्हारे घर पर, तुम्हारे क्लोसेट में कितने ड्रेसेस हैं, तो वंडा उत्तर देती 100. वंडा यूज टू रिप्लाई दैट शी हैड 100 ड्रेसेस. 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली. एक्सक्लेम्ड मीन्स सरप्राइज्ड. जो वहाँ पर अन्य लड़कियाँ खड़ी होती वो इनक्रेडुलसली मीन्स शोविंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, और इन डिसबिलीव अविश्वास से, उनको विश्वास ही नहीं होता कि किसी के पास 100 ड्रेसेस हो सकते हैं. एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन. और जो छोटी छोटी बच्चियाँ हॉप स्कॉच गेम खेल रही होती वो भी इस बात को सुनने के लिए रुक जाती. सो वंडा यूज्ड टू रिप्लाई दैट शी हैड 100 ड्रेसेस. ऑल स्मॉल गर्ल्स यूज्ड टू गेट सरप्राइज बाय द आंसर एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम टू बिलीव इट. द गर्ल्स प्लेइंग हॉप स्कॉच वुड स्टॉप प्लेइंग अपॉन लिसनिंग द आंसर. जो अन्य लड़कियाँ, लिटिल वंस, जो हॉप स्कॉच गेम खेल रही होती वो भी वंडा के इन बातों को सुनने के लिए रुक. या 100 ऑल लाइंड अप सेड वंडा, देन हर थिन लिप्स ड्रिव टुगेदर इन साइलेंस. वंडा रिप्लाइड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस एंड ऑल ड्रेसेस आर नीटली पुट इन हर कबर्ड. वंडा पेगी के प्रश्नों का उत्तर देती और कहती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं जो कि ऑल लाइंड अप, सभी हमारे कबर्ड में नीटली, बड़े ही अच्छे ढंग से रखे हुए हैं. देन हर थिन लिप्स ड्रिव टुगेदर इन साइलेंस, देन शी विल रिमेन साइलेंट. इसके बाद वह शांत हो जाती. व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिल्क, आई बेट, सेड पेगी. पेगी ने कहा, पेगी सेड दैट शी वॉज श्योर दीज ड्रेसेस वर ऑफ सिल्क. वट आर दे लाइक? कैसे हैं वो, किस चीज के हैं? ऑल सिल्क, सभी सिल्क के हैं. आई बेट, आई बेट मीन्स आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि वे सभी सिल्क के होंगे, रेशमी होंगे. बेट मीन्स टू रिस्क समथिंग ऑन अकरेंस ऑफ एन इवेंट. शर्त लगाने को बेट कहते हैं. एंड आई बेट मीन्स आई एम श्योर. पिगी ने कहा आई एम श्योर दे ऑल मस्ट बी ऑफ सिल्क. या ऑल सिल्क ऑल कलर्स. वंडा रिप्लाइड दैट दिस वर ऑफ सिल्क एंड ऑफ वेरियस कलर्स. वंडा उत्तर देती कि वे सभी सिल्क के हैं, मेरे पास जो 100 ड्रेसेस हैं वो सभी सिल्क के हैं और सभी वेरियस कलर्स के हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं. उन सभी के कलर्स अलग अलग हैं. वेलवेट टू. वेलवेट इज अ टाइप ऑफ क्लॉथ, मखमल. वेलवेट टू. पेगी आस्ट इफ वंडा हैज वेलवेट ड्रेसेस आल्सो. पेगी पूछती कि क्या तुम्हारे पास वेलवेट के भी ड्रेसेस हैं, यानी मखमल के भी ड्रेस हैं. या वेलवेट टू. तो वंडा रिप्लाई करती, उत्तर देती कि यस, हमारे पास वेलवेट के भी हैं. वंडा कामली रिप्लाइड दैट शी हैज वेलवेट ड्रेसेस आल्सो. 100 ड्रेसेस. वंडा वुड रिपीट स्टोलिडली. स्टोलिडली मीन्स नॉट शोइंग एनी फीलिंग, यानी भाव शून्य. वंडा रिप्लाई करती, उत्तर देती, ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट. सभी मेरे क्लॉसेट में अच्छी तरह से रखे हुए हैं. ऑल द 100 ड्रेसेस आर नीटली प्लेस्ड इन हर कबर्ड. वंडा कामली रिप्लाइड दैट शी हैज वेलवेट ड्रेसेस आल्सो
ऑल द 100 ड्रेसेस आर नीटली प्लेस्ड इन हर कबर्ड। देन दे वुड लेट हर गो। इसके बाद वो सभी वंडा को वहाँ से जाने देते। आफ्टर दिस दे वुड अलाउ वंडा टू गो। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और इसके पहले कि वंडा वहाँ से बहुत दूर चले जाती, दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रिक्स एंड पिल्स ऑफ लाफ्टर। बर्स्टिंग, बर्स्ट मीन्स लाउड नॉइस, बर्स्ट इनटू श्रिक्स एंड पिल्स ऑफ लाफ्टर दैट मीन्स लाउडली लॉफ अलॉट। वो लोग जोर जोर से हंसने लगते। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रिक्स, श्रिक्स मीन्स क्राइज, एंड पिल्स, पिल्स मीन्स टू लॉफ लाउडली ऑफ लाफ्टर, एंड बर्स्ट इनटू श्रिक्स एंड पिल्स ऑफ लाफ्टर मीन्स लाउडली लॉफ अलॉट। आफ्टर वंडा वेंट अ लिटिल अवे, दे वुड लाउडली लॉफ अलॉट, मीन्स नोबडी बिलीव्ड दैट वंडा हैड 100 ड्रेसेस। किसी को ये विश्वास नहीं होता कि वंडा के पास 100 ड्रेसेस हैं, बिकॉज शी ऑलवेज वोर द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस डेली व्हेन शी यूज्ड टू कम टू स्कूल। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। 100 ड्रेस ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली एवरीबडी थॉट दैट वंडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस। सभी को ये विश्वास था, सभी लोग ये सोचते थे कि वंडा के पास 100 ड्रेसेस नहीं है। ऑब्वियसली क्लियरली द ओनली ड्रेस वंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। सिर्फ उसके पास एक ड्रेस है जो ब्लू कलर का है, जिसे वो रोज पहनकर स्कूल आती है। दे बिलीव्ड दैट वंडा हैड ओनली वन ब्लू ड्रेस, शी वोर दिस ड्रेस एवरी डे। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100? तो उनको लगता था कि फिर वास्तव में वंडा ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। व्हाई डिड शी से दैट शी हैड 100 ड्रेसेस? व्हाट अ स्टोरी, कैसी कहानी है, कौन सी कहानी है ये? इस कहानी में क्या है, क्या सच्चाई है? एवरीबडी थॉट दैट शी वॉज टेलिंग अ फैंटास्टिक स्टोरी। वंडा यूज टू वियर द सेम ड्रेस एवरी डे। व्हाई डिड शी से दैट शी हैड 100 ड्रेसेस? एवरीबडी थॉट दैट शी वॉज टेलिंग अ लाई, शी वॉज टेलिंग अ फैंटास्टिक इमेजिनरी स्टोरी। पेगी ने कहा, हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड? पेगी आस्ट, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज वंडा हैड? 60 पेयर्स, वंडा ने कहा, मेरे पास 60 पेयर शूज हैं। वंडा रिप्लाइड दैट शी हैड 60 पेयर्स इन हर कबर्ड, ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट, सभी मेरे कबर्ड में अच्छी तरह से रखे हुए हैं। वंडा रिप्लाइड दैट शी हैड 60 पेयर्स इन हर कबर्ड। क्राइज ऑफ एग्जेजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। क्राइज ऑफ एग्जेजरेटेड, एग्जेजरेटेड दैट मीन्स मेक इट लुक बिगर। पोलाइटनेस मीन्स हम्बलनेस, इन अ डोसाइल मैनर, विनम्रतापूर्वक। क्राइज ऑफ एग्जेजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड मीन्स वेलकम्ड दिस ऑल अलाइक। क्या सभी आइडेंटिकल हैं? अलाइक मीन्स आइडेंटिकल, एक जैसे हैं। पेगी वुड आस्क विथ मोर पोलाइटनेस। पेगी और अधिक पोलाइट होकर के, विनम्र होकर पूछती कि इफ ऑल द शूज वर सेम, क्या तुम्हारे पास 60 पेयर्स जो शूज हैं, जूते हैं, वो क्या सभी एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं? आर ऑल अलाइक? ओह नो, एवरी पेयर, पेयर मीन्स सेट, इज डिफरेंट, ऑल कलर्स, ऑल लाइंड अप, ऑल प्लेस्ड इन अ लाइन, लाइंड अप
मीन्स प्लेस्ड इन अ लाइन, सभी पंक्ति में रखे हैं। ओह नो, नहीं नहीं, एक जैसे नहीं हैं। एवरी पेयर इज डिफरेंट, हमारे पास जो 60 पेयर्स शूज़ हैं वो सभी डिफरेंट हैं। ऑल कलर्स, सभी अलग अलग कलर्स के हैं। वंडर रिप्लाइड दैट एवरी पेयर वॉज डिफरेंट, दीज वर ऑफ ऑल कलर्स। ऑल लाइंड अप मीन्स दीज वर नीटली स्टैक्ड इन हर कबर्ड, सभी जो पेयर ऑफ शूज हैं वो उसके कबर्ड में पंक्ति में रखे हुए हैं। दीज वर नीटली स्टैक्ड इन हर कबर्ड। नेक्स्ट पैराग्राफ, पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, पेगी जिसने वंडा का मजाक उड़ाने का ये जो गेम था इसके बारे में जिसने सोचा था, एंड मैडी और मैडी हर इनसेपरेबल, इनसेपरेबल दैट मीन्स वेरी क्लोज इंटीमेट अभिन्न जो उसका मित्र थी मैडी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, ये दोनों अंत में वहाँ से जाते थे, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। पेगी हैड थॉट ऑफ दिस गेम ऑफ आस्किंग वंडा, मैडी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड हु वॉज ऑलवेज विथ हर। दिस टू फ्रेंड्स लेफ्ट द डिस्कशन इन द लास्ट, दे वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। फाइनली वंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल, डल हियर मीन्स फुल ऑफ टीयर्स। फाइनली अंत में, आफ्टर एवरीबडी हैड गॉन, वंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, वंडा वुड स्टार्ट वॉकिंग इन द स्ट्रीट, वंडा स्ट्रीट की तरफ आगे बढ़ती, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसके आँखें भरी होती थी और उसका माउथ क्लोज्ड होता था, हर आइज वुड बी डल एंड माउथ क्लोज्ड। हिचिंग मीन्स गिविंग अ जर्क, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन, नाउ एंड देन मीन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ओकेजनली, अपने कंधों को उचकाते हुए, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी मीन्स इन अम्यूजिंग मैनर, मजाकिए तौर पे, इन द फनी वे शी हैड, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। आफ्टर एवरीबडी हैड गॉन वंडा वुड स्टार्ट वॉकिंग इन द स्ट्रीट, सभी के जाने के बाद वंडा अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ती, हर आइज वुड बी डल एंड माउथ क्लोज्ड, उसकी आँखें उदास होती, फुल ऑफ टीयर्स, उसका माउथ क्लोज्ड होता। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। व्हाइल वॉकिंग शी वुड ओकेजनली गिव जर्क टू हर लेफ्ट शोल्डर इन अ फनी मैनर, वंडा वुड वॉक टुवर्ड्स द स्कूल अलोन। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते तो लास्ट में वंडा अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ती, उसकी आँखें धुंधली होती थी, डल होती थी, फुल ऑफ टीयर्स होती थी, उसका माउथ क्लोज्ड होता था, और हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर अपने लेफ्ट शोल्डर को, बाएं कंधे को उचकाते हुए, समय समय पर इन द फनी वे शी हैड, ठीक उसी तरह से जैसा वो किया करती थी। वंडा फिनिश्ड द वॉक टू स्कूल अलोन, वंडा स्कूल की तरफ अकेले आगे बढ़ती थी, वंडा वुड वॉक टुवर्ड्स द स्कूल अलोन। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ, पेगी वॉज नॉट रियली क्रूवेल, पेगी वास्तव में क्रूवेल नहीं थी, क्रूवेल मीन्स इनह्यूमन, मर्सीलेस और यू कैन से रूथलेस यानी क्रूर। पेगी
वॉज नॉट रियली क्रूवल, पेगी वास्तव में क्रूवल नहीं थी, निर्दयी नहीं थी, क्रूर नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिस, जो छोटे बच्चे होते थे उनको बुलिस से वो बचाने का काम करते थे। बुलिस मीन्स दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ एंड पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, वे लोग जो अपने स्ट्रेंथ ताकत और पावर शक्ति का इस्तेमाल करते हैं वीकर पीपल कमज़ोर लोगों को डराने के लिए। इन अनदर वर्ड्स हु ट्रबल अदर्स। तो पेगी एक क्रूवल गर्ल नहीं थी, निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रेन फ्रॉम बुलिस, वह उन बच्चों को बचाती थी जिनको जो बुली बॉय होते थे वो उन्हें तंग करते थे, परेशान करते थे। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। मिसट्रीटेड मीन्स मिसबिहेवियर और नॉट केयर्ड करेक्टली और अनदर मीनिंग इंजर्ड। जो मिसट्रीटेड एनिमल होते थे जब किसी ऐसे एनिमल को पेगी देखती थी जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता हो, जिन्हें मिसट्रीट किया जा रहा हो, तो उन्हें देखकर वह घंटों रोती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूवल, पेगी वॉज एक्चुअली नॉट अ मर्सलेस गर्ल। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रेन फ्रॉम बुलीज, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रेन फ्रॉम नॉटी बॉयज, एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। इफ शी सॉ एन एनिमल वॉज नॉट टेकन केयर ऑफ नाइसली, शी वुड क्राई फॉर आवर्स। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि किसी ने उसके साथ ये बात कही, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूवल वे टू ट्रीट वंडा, कि ये जो तुम्हारा तरीका है वंडा से बात करने का वो एक क्रूवल वे है, एक मिसबिहेवियर है, उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार है, इस तरह से वंडा को ट्रीट करना अच्छी बात नहीं है। डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूवल वे टू ट्रीट वंडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। इफ एनीबडी टोल्ड पेगी दैट शी डिड नॉट शो एनी सिंपैथी टू वंडा, पेगी वुड हैव बीन सरप्राइज्ड, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। तो इस बात को सुनकर पेगी को बहुत आश्चर्य होता, क्रूवल, निर्दयतापूर्वक व्यवहार। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, ये लड़की वंडा ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट दैट वॉज अ लाई, कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि ये झूठ है। पेगी थॉट दैट वंडा शुड नॉट हैव टोल्ड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस बिकॉज इट वॉज अ लाई। एनीबडी कुड टेल दैट दैट वॉज अ लाई, एनीबडी कुड टेल दैट वंडा वॉज टेलिंग अ लाई। Why did she want to lie? आखिर वो झूठ क्यों बोलना चाहती थी? Why she wanted to tell a lie? And she wasn't just an ordinary person. और कोई वो ordinary person भी नहीं थी। Ordinary that means normal, साधारण। And she was not an ordinary person. Else, why did she have a name like that? Why did she have a name like that? And she was not an ordinary person because she had a different type of name. Anyway, they never made her cry. जो भी हो, पेगी ने उसे कभी रुलाया नहीं। But पेगी never made Wanda cry. पेगी did not tease Wanda too much. नेक्स्ट पैराग्राफ,
एज फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वंडा, जहाँ तक मैडी का संबंध है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वंडा, वंडा से ये पूछना एवरी डे प्रतिदिन कि हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर। बॉदरिंग मीन्स टू ट्रबल, बॉदर मीन्स टू ट्रबल, इट वॉज वरिंग हर, ट्रबल और वरी, डब्ल्यू ओ आर आर वाई, बॉदर मीन्स टू ट्रबल और वरी। एज फॉर माई डे दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर। माई डे डिड नॉट लाइक स्टूडेंट्स आस्किंग वंडा एवरी डे अबाउट हर ड्रेसेस, हैट्स एंड अदर थिंग्स। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी स्वतः गरीब थी, मैडी वॉज हरसेल्फ अ पुअर गर्ल, शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स दैट मीन्स ओल्ड क्लोथ्स हैंडेड डाउन बाई समवन एल्स, पुराने कपड़े जो किसी और के द्वारा दिए गए हों, ओल्ड क्लोथ्स गिवन बाई समवन। तो मैडी स्वयं गरीब थी और दूसरे के द्वारा दिए गए कपड़ों को वह खुद पहनती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बोगिंस हाइट्स और हैव अ फनी नेम। मैडी वॉज लकी दैट शी डिड नॉट लिव इन बोगिंस हाइट्स एरिया नॉर डिड शी हैव अ फनी नेम लाइक वंडा पेट्रॉन्स्की, अदरवाइज अदर गर्ल्स वुड हैव टीज्ड हर आल्सो। मैडी के लिए अच्छी बात थी कि वह बोगिंस हाइट्स एरिया में नहीं रहती थी और न ही उसका कोई फनी नेम था, इट वॉज वेरी सिंपल नेम। और नहीं तो अन्य लड़कियां जिस प्रकार से वंडा पेट्रॉन्स्की को चिढ़ाती थी, मैडी को भी चिढ़ाने से वो परहेज न करती। Now let's see next paragraph. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, कभी कभी जब पेगी Wanda से उन प्रश्नों को पूछती कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितने पेयर ऑफ शूज़ हैं, in that mocking polite voice, mocking here false meant टू मेक फन ऑफ और टू रिडिक्यूल, खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाना किसी का, इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, उस तरह से मजाक भरे विनम्र आवाज में जब वंडा पेट्रॉन्स्की से पेगी प्रश्न पूछती, मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड, तो मैडी एम्बेरस्ड फील करती। एम्बेरस्ड मीन्स अशेम्ड और फेल्ट सॉरी, फीलिंग ऑफ awkwardness, मैडी व्याकुलता महसूस करती, व्याकुल हो जाती, परेशान हो जाती, लज्जित हो जाती, एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और जो मार्बल्स होते थे स्मॉल बॉल्स ऑफ ग्लास, कांचे जिसे कहते हैं, उनको अपने पाम में स्टडी करती, रोलिंग देम अराउंड and saying nothing herself. Mighty did not like Peggy asking such questions to Wanda. She knew that the politeness shown by Peggy was false. Mighty, जब भी Peggy Wanda से उस तरह के प्रश्न पूछती तो उसे पसंद नहीं आता, क्योंकि Mighty जानती थी कि जो Peggy की politeness है वो फाल्स है, अर्थात वंडा का मजाक उड़ाने वाली उसकी टोन है, उसकी वॉइस है। पेगी वांटेड टू टीज वंडा, पेगी वंडा का मजाक उड़ाना चाहती थी। मैडी वुड लुक एट द मार्बल्स इन हर हैंड, शी वुड रोल दिस इन हर हैंड्स एंड से नथिंग टू एनीबडी। फिर मैडी अपने हाथ में मार्बल्स कंचे लिए हुए
अपने पाम को अपने हथेली की तरफ देखती और उन्हीं बॉल्स को अपने हाथ में रोल करते हुए वह चुपचाप खड़ी रहती। शी वॉज अनेबल टू से अ वर्ड, एक भी शब्द वह वंडा के फेवर में और पेगी के अगेंस्ट में नहीं बोल पाती। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वंडा एग्जैक्टली, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वंडा इफ पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। इन्वेंटेड मीन्स क्रिएटेड बाई थॉट। माइडी डिड नॉट ट्रूली फील सॉरी फॉर वंडा, वास्तव में सही तौर पर कहा जाए तो माइडी वंडा के लिए सॉरी फील न करती। माइडी पेड अटेंशन टू वंडा वनली बिकॉज ऑफ द ड्रेस गेम। माइडी का ध्यान वंडा की तरफ सिर्फ ड्रेस गेम के कारण गया। दिस गेम वॉज इन्वेंटेड बाई पेगी, और ये जो गेम था वो इट वॉज क्रिएटेड बाई पेगी, पेगी के द्वारा गेम तैयार किया गया था। वंडा से बार बार सेम क्वेश्चन पूछना, एक जैसा प्रश्न पूछना कि हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज डू यू हैव, तो इस तरह के जो प्रश्न थे वो एक तरह से वंडा के लिए गेम बन चुके थे। और पेगी का इस तरह के गेम का आविष्कार करना, इन्वेंट करना, इस तरह का गेम क्रिएट करना ही माइडी को वंडा की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रेरित किया। बट सपोज पेगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, माइडी वॉज वरीड व्हाट विल हैपन इफ पेगी एंड अदर्स स्टार्टेड प्लेइंग द गेम ऑन हर। माइडी इस बात से चिंतित थी कि पेगी के साथ साथ जो अदर स्टूडेंट्स हैं यदि इस तरह का गेम वंडा के साथ खेलना जारी रखे तो उसका क्या होगा। शी वॉजंट एज पुअर एज वंडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर। माइडी वॉज नॉट एज पुअर एज वंडा बट शी वॉज पुअर। माइडी उतना पुअर नहीं थी जितना कि वंडा पेट्रॉन्स की, लेकिन वह पुअर थी अर्थात गरीब थी। ऑफ कोर्स श्योरली अवश्य ही शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। ऑफ कोर्स इन फैक्ट श्योरली शी वुड हैव मोर सेंस, शी वुड हैव मोर सेंस मीन्स बी वाइज और हैव विजडम। माइडी वॉज नॉट एज पुअर एज वंडा वॉज बट शी वॉज पुअर। माइडी वुड बी मोर वाइज टू से दैट शी डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, टू बिगिन ऑन हर दैट मीन्स स्टार्ट टीजिंग वंडा, स्टार्ट टीजिंग हर। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग, पेगी वुड स्टॉप पेस्टरिंग वंडा पेट्रॉन्स की। माइडी वुड बी मोर वाइज टू से दैट शी डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस बट शी वुड नॉट लाइक दैट अदर्स शुड स्टार्ट टीजिंग हर, शी वॉन्टेड पेगी टू स्टॉप टीजिंग वंडा पेट्रॉन्स की। माइडी चाहती थी कि पेगी वंडा पेट्रॉन्स की का मजाक उड़ाना बंद कर दे। All right, now let's discuss comprehension questions which are given here. First question is, in what way was Wanda different from the other children? Wanda दूसरे children से, दूसरे बच्चों से किस प्रकार से अलग थी या भिन्न थी? So answer will be like this, Wanda was different from the other children. She did not have any friends. She came to school alone and went home alone. Wanda का कोई मित्र नहीं था और वह स्कूल भी अकेले आती थी और घर वापस भी अकेले ही जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, और हमेशा वो उसी फेडेड ब्लू ड्रेस को पहनती थी। दैट डिड नॉट फिट हर प्रॉपरली,
जो उसको अच्छी तरह से फिट नहीं होता था। अनलाइक अदर चिल्ड्रन शी डिड नॉट टॉक टू एनीबडी, और जैसे कि दूसरे बच्चे आपस में बातचीत करते, लेकिन वंडा पेट्रोंस्की किसी से कुछ भी नहीं बोलती थी। शी डिड नॉट टॉक टू एनीबडी। सेकेंड क्वेश्चन इज, डिड वंडा हैव 100 ड्रेसेस? वाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? क्या वंडा के पास 100 ड्रेसेस थे? वाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सो द आंसर विल बी लाइक दिस, नो शी डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस, उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं थे। बिकॉज शी वॉज पुअर, क्योंकि वो गरीब थी, एंड वोर द सेम फेडेड ड्रेस टू स्कूल एवरी डे, और उसी फेडेड ब्लू ड्रेस को प्रतिदिन स्कूल पहनकर आती थी। फिर भी जब भी पेगी उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तो वंडा का एक ही जवाब होता था, 100 ड्रेसेस। शायद ऐसा वो इसलिए कहती हो क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी गरीबी का कोई मजाक उड़ाए। प्रोबेबली इट वॉज अ चाइल्ड्स फैंटासी, और ये बच्चों की फैंटासी भी हो सकती है, टू पजेस 100 ड्रेसेस। अ चाइल्ड हु हैड ओनली वन ड्रेस टू वियर फॉर स्कूल। द अदर चिल्ड्रेन यूज टू मेक फन ऑफ हर पॉवर्टी, जो दूसरे बच्चे थे उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। एंड वुड हैव लॉफ्ड एट हर वट एवर शी माइट हैव सेड, और जो कुछ भी वो कहती उस पर वो लोग हंसते। सो दिस कुड हैव बीन द रीज़न फॉर हर एग्जेजरेटिंग एवरीथिंग, यही कारण था जिससे कि वो हर चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। थर्ड क्वेश्चन इज, वाई इज मैडी एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क्स वंडा? जब पेगी वंडा से प्रश्न पूछती है तो मैडी क्यों एम्बेरस्ड फील करती है, अपने आप को लज्जित क्यों महसूस करती है? इज शी लाइक वंडा और इज शी डिफरेंट? क्या वो वंडा जैसी है या कुछ अलग है? तो मैडी वॉज एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क वंडा बिकॉज शी वॉज पुअर हरसेल्फ। वो इसलिए अपने आप को लज्जित महसूस करती थी क्योंकि वह खुद भी गरीब थी। शी यूजअली वोर ओल्ड क्लोथ्स विच वर हैंडेड डाउन बाई समवन एल्स। वह दूसरों के द्वारा दिए गए पुराने कपड़ों को ही पहनती थी। शी डिड नॉट फील सॉरी फॉर वंडा। शी वॉज वरीड दैट परहैप्स लेटर एवरी वन वुड स्टार्ट टीजिंग हर टू। उसे लगता था कि यदि मैं पेगी का विरोध करूँगी तो मुझे टारगेट कर लिया जाएगा और सब लोग मुझे चिढ़ाने लगेंगे। शी वॉज वरीड दैट परहैप्स लेटर एवरी वन वुड स्टार्ट टीजिंग हर टू। शी थॉट शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम वंडा इन द सेंस दैट शी वुड नेवर क्लेम दैट शी हैड 100 ड्रेसेस। मैडी अपने आप को वंडा से डिफरेंट पाती है। वह सोचती है कि वह वंडा से डिफरेंट है क्योंकि शी वुड नेवर क्लेम दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, कि वह कभी ये क्लेम नहीं करेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वंडा। वह उतना गरीब नहीं थी जितना कि वंडा पेट्रोंस्की। येट शी वॉज अफ्रेड दैट द अदर्स माइट मॉक हर टू। फिर भी उसे इस बात का डर था दैट अदर गर्ल्स माइट स्टार्ट टीजिंग हर टू, अदर गर्ल्स माइट स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ हर टू, दूसरी लड़कियाँ उसका भी मजाक उड़ाना प्रारंभ कर देंगी। इसीलिए जब भी पेगी वंडा से प्रश्न पूछती है कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने पेयर ऑफ शूज हैं, तो मैडी अपने आप को एम्बेरस्ड फील करती है, अपने आप को वह अशेम्ड फील करती है, लज्जित महसूस करती है, और अपने आप को वंडा पेट्रोंस्की से डिफरेंट सोचती है। इस अर्थ में कि शी वुड नेवर क्लेम दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, कि वो कभी ये क्लेम नहीं करेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एंड सेकेंडली शी वॉज नॉट एज पुअर एज वंडा, और वह उतना गरीब भी नहीं थी जितना कि वंडा। नाउ पार्ट टू ऑफ दिस लेसन इज ऑल्सो ओवर। आई विल बी बैक सून विद फाइनल पार्ट। टिल देन कीप रिवाइजिंग द चैप्टर्स ऑलरेडी टॉट। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन।